सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ भारत ऐप पर जो भी आप ऐड मनी कर रहे हैं ना, तो गाइस आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऐड मनी नहीं हो पा रहा है। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा कैसे भारत ऐप पर आप ऐड मनी करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अकाउंट में जोड़े तो सेम प्रॉब्लम सबके आ रही, तो ये प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व करके बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, और अगर गाइस नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जाना है भारत पे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं भारत पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पर कैसे आपको ट्रांसफर टू बैंक का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आप बैंकिंग में भी ऐड कर रहे होंगे तो कैसे आपको ऐड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है वो मैं बताता हूँ। जैसे मोर पे जाकर, इन्वेस्टमेंट पे जाकर मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप नॉलेजफुल वीडियो देखते रहे। इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कैसे मैं 100 रुपये ऐड करूँगा, तो आपके क्या प्रॉब्लम आ रही वो भी मैं आपको बता दूंगा। ऐड मनी पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बता रहा है UPI। तो आप UPI सोचकर आप पेटीएम UPI, फ़ोनपे वगैरह कुछ भी UPI है तो आप UPI पे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपये किया, फिर आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करना। तो यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर देख सकते हो मेरा पेटीएम खुल गया, कुछ भी खुल गया। तो गाइस आपने भारत पे पर जो भी अकाउंट लगाया है ना, उसी अकाउंट से अगर पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आपको ऐड मनी पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप दूसरी एप्लीकेशन से अगर ऐड मनी करते हो दूसरे बैंक से, तो कैसे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर कैसे मैंने बड़ौदा का बैंक लगा रखा, तो बड़ौदा का मैं UPI यहाँ पर डालकर लगा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर पेटीएम UPI मैंने लगा दिया, ठीक है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली हो गया। तो देख सकते हो मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पर मेरा ऑल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कैसे अगर आप भारत पे पर ऐड मनी करोगे, देख सकते हो मेरा डन का ऑप्शन मैसेज आ गया। अगर आप भारत पे पर ऐड कर रहे हो और आप प्रॉब्लम आ रही है तो वो देखो मेरा 210 हो गया, 101 रुपये था तो 201 रुपये हो गया। तो इस तरह से कैसे मैं यहाँ पर मैंने केवल एक ही सिस्टम अपनाया। मैंने क्या किया कि मैं जिस बैंक से यहाँ पर भारत पे पर लगा रखा है वही बैंक मैंने यहाँ पर चॉइस किया और ऐड मनी की, तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह से कैसे आपकी प्रॉब्लम आ रही तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।